नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोकोपीट को कैसे यूज करना है, किस क्या तरीका है कोकोपीट को यूज करने का, और कोकोपीट यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मार्केट से हमें कोकोपीट का ब्लॉक, कंप्रेस्ड साइज़ का कोकोपीट, देखिए इस प्रकार का होता है। ये अलग अलग साइज़ में आता है, 5 kg, 1 kg, 2 kg, आप जिस किसी भी साइज़ का ले आते हैं। मेरा ये ब्लॉक 5 kg का है और कोकोपीट नॉर्मली जो ब्लॉक आपको मिलता है उससे करीब 5 टाइम एक्सपेंड होता है। तो 5 किलो का कोकोपीट है ये, आपको 25 से 30 किलो एक्सपेंड होने के बाद मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें करना क्या होता है, कोकोपीट को किसी बकेट में, बड़ी या ड्रम में आप डाल लीजिए। उसके बाद उसमें उस ड्रम को पानी से पूरी तरह से भर दीजिए। आप इसमें जितना पानी डालते जाएंगे कोकोपीट उस पानी को अंदर सोखता हुआ जाएगा, मतलब सारा पानी आपका कोकोपीट के अंदर जाता जाएगा और उस पानी की वजह से गीला होकर कोकोपीट आपका एक्सपेंड होता रहेगा। आप देखिए इस प्रकार हमने अपने बकेट में कोकोपीट रख दिया है और उसमें पानी का पाइप लगा के छोड़ दिया है। ये पानी जैसे जैसे भरता जाएगा हमारे बकेट में, कोकोपीट पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा और एक्सपेंड होता जाएगा। आपसे भी देखिए, ये मैं पानी डाल के दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर ऊपर जितना पानी हम डालते हैं कोकोपीट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोकोपीट की दोस्तों यही खासियत होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है काफ़ी टाइम तक, मतलब कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोकोपीट की होती है। ये नारियल का जो बाहर का होता है भाग, उसको क्रस करके उसका चूरा बना के उसे ही कंप्रेस करके ब्लॉक बना के रखा जाता है, दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, कोकोपीट का, कोकोपीट में और कोई मिट्टी में मिलाने के बाद कोकोपीट का सिर्फ यही एक फ़ायदा होता है कि मिट्टी हमारी थोड़ी हल्की हो जाती है, हमारे टेरेस पे, हमारे छत पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है और हमारे सॉयल में पौधों के लिए नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है। क्योंकि कोकोपीट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है तो हमारे मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखता है। देखिए मेरा ब्लॉक 5 kg का आधे टब के बराबर था और अभी देखिए टब के ऊपर भी निकल आया है। तो दोस्तों, कोकोपीट का सिर्फ एक मकसद होता है, मॉइस्चर हमारे मिट्टी में बनाए रखना और मिट्टी को हल्का रखना। कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, पौधों की ग्रोथ में सहायक सिद्ध नहीं होता, इस मॉइस्चर के लिए हम कोकोपीट यूज करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, कोकोपीट को पूरी तरह से, टब को हमने पानी से भर रखा है और दोस्तों ये भर के छोड़ देने के बाद आधे से एक घंटे के बाद का ये रिजल्ट है, पूरा कोकोपीट पानी एब्जॉर्ब करके पूरे टब में फैल गया है। अब इसको दोस्तों हम निकाल के किसी कुछ भी पन्नी पे या किसी भी चीज़ पे हम इस तरह से बिछा लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, जो पानी हमारा ज़्यादा हो जाता है, वो निकल जाए और ये पूरी तरह से भुरभुरा हो जाए। फिर हम इसे चाहे तो डायरेक्ट अपनी मिट्टी में मिला लें या सीडलिंग सॉइल में मिला लें या फिर हम इसे किसी भी बोरे में या किसी चीज़ में भर के रख लें आगे यूज करने के लिए। तो दोस्तों, जब ये इसमें से पानी निकल जाता है एक्स्ट्रा तो ये पूरी तरह से भुरभुरा हो जाता है और फिर इसको हम डायरेक्ट भी अपनी मिट्टी में मिला के यूज कर सकते हैं अभी, या फिर इसको हम किसी भी बोरे में, जिस बोरे पर सुखा रहे हैं उसी में भर के हम रख लेंगे, आगे इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत पड़े कोकोपीट की तो यूज करेंगे। देखिए ये कोकोपीट, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखिए, जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें से कितना पानी निकल रहा है, मतलब एक मुट्ठी कोकोपीट में इतना सारा पानी होल्ड है। यही कोकोपीट का मेन वर्क है हमारे गार्डन में, हमारे सॉयल में मिलाने का। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा बचा हुआ पानी है कोकोपीट या थोड़ा बहुत बचा हुआ है हमारे बकेट में, उसमें हम और एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लेंगे और उसको अपने किसी भी ग्रो बैग में तैयार, जो पहले का यूज हो रहा है उसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी हिस्सा कोकोपीट का बचा हुआ है तो हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।